तो कैसे हो मित्रों। तो आज हम मार्वल के गॉड ऑफ मिस्चीफ की बात करने वाले हैं, यानी लोकी की। और ये बात कोई आम नहीं है, हम आज लोकी किसी टाइप की गलतियों की। एक मिनट, गलतियां अनजाने में होती है, लेकिन इन भाई साहब ने इन तीरों को जानबूझकर अपने पिछवाड़े में लिया है। तो आओ यारों, बिना किसी तीर को अपने पिछवाड़े में लिए आज के बकवास को शुरू करते हैं। लेकिन हाँ, ये वीडियो सिर्फ एंटरटेनमेंट के लिए है, तो इसे दिल पे मत लेना। फिर भी ना मानो तो जहाँ चाहो वहाँ ले सकते हो। उन तीरों में से पहला तीर आता है हल्क को अनलीश करने का। जब इन भाई साहब को पता था कि एवेंजर्स के पास हल्क नामक एक मॉन्स्टर है, तो उसके ह्यूमन फॉर्म को मार देना चाहिए था। लेकिन नहीं, हमें तो उसी की मदद से एवेंजर्स को मरवाना है, अजी हलवा है क्या। और जब हल्क ने शील्ड हेलीकैरियर की ऐसी तैसी कर दी, लेकिन उसके बाद भी लोकी ने उसके ह्यूमन फॉर्म को नहीं मारा, उसे जिंदा छोड़ दिया। और एवेंजर्स को आपस में लड़वाने के बाद एजेंट कोल्सन को भी इसने मार दिया। और अब मेरा सबसे बड़ा सवाल यही है कि इसने एजेंट कोल्सन को क्यों मारा, क्यों काय को मारा रे बाबा। इसने एजेंट कोल्सन को मारा, निक फ्यूरी ने उल्टी इसकी बिना तेल के यानी एवेंजर्स को इकट्ठा किया और इसकी बचवा दी। और ये बस इसकी गलतियों की शुरुआत है, अभी पूरी पिक्चर बाकी है। आपको थोर रैग्नारोक का वो सीन तो याद ही होगा, जिसमें हेला ने अपने एक ही थप्पड़ से थोर और लोकी दोनों को ही सकार में भेज दिया था, जिसमें थोर ने सोचा कि लोकी तो गियो, मेरा मतलब है लोकी की डेथ हो चुकी है। लेकिन उसे सकार में देखकर वो खुद चौंक गया। अब यहाँ लोकी ने ग्रैंड मास्टर को पटाकर सकार में अपनी छुपने की जगह पक्की कर ली थी, लेकिन इन महाशय ने एक बार भी सकार के प्लैनेट के बारे में जानने की कोशिश नहीं की। अरे प्लैनेट गया तेल लेने, कम से कम इसका चैंपियन कौन है ये तो पता लगा ही सकता था। और सबसे बड़ी बात, इसको ये मूर्ति नहीं दिखी जो हल्की बन रही थी। लेकिन नहीं, हम तो गॉड हैं, हम तो गॉड ऑफ मिस्चीफ हैं, हमें कौन मार सकता है। उसके बाद कहते हैं हमें कपड़ों की तरह धोया, तुम्हें धोए नहीं तो और क्या करें, तुम्हारे साथ लुकन छुपाई खेलें। तो आपको थोर की पहली मूवी तो याद ही होगी, जिसमें लोकी के पास एकदम झकास प्लान था। उसने थोर को एसगार्ड की गद्दी पर बैठने से रोकने के लिए फ्रॉस्ट जायंट को एसगार्ड में बुलाया। उसे पता था कि थोर फ्रॉस्ट जायंट से लड़ने के लिए जाएगा, और उसने ओडिन की मदद से थोर को म्योनिर के लिए अनुवर्ती करवा दिया और अपने फ्रॉस्ट जायंट पिता को भी मार दिया, ताकि ओडिन की जगह लोकी के पास ही रहे। और इतना सब बढ़िया प्लान करने के बाद लोकी तो लोकी है, आखिरकार इस प्लान में भी उसने हक दिया। उसने थोर को मारने के लिए डिस्ट्रॉयर को भेज दिया, और उसी कारण थोर वर्दी हुआ तो लोकी की वाट लगी। और यही लोकी की सबसे बड़ी प्रॉब्लम है, सब कुछ ठीक करने जाता है लेकिन कहीं ना कहीं गड़बड़ कर ही देता है। इसके साथ इसकी अगली गड़बड़ है टेजरक चुराने की। अब आप सोचोगे कि टेजरक चुराने में क्या गड़बड़ हो सकती है, कम से कम उसके पास एक पावरफुल वेपन तो है जिसकी मदद से वो अपनी प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकता है। लेकिन जब लोकी माशिया को पता था कि थैनोस इन्फिनिटी स्टोन को ढूंढ रहा है और वो इतना पावरफुल है कि यूनिवर्स की सबसे बड़ी आर्मी को वो ऐसे ही दे सकता है, तो क्या लोकी को छोड़ेगा। मेरा मतलब है, जब उसे पता था कि थैनोस इतना पावरफुल है तो क्यों अपनी और अपने लोगों की जान जोखिम में डाली। लोकी ने टेजरक चुराया, थैनोस ने उसकी और उसके भाई की जम के वाट लगाई और इन्फिनिटी स्टोन को भी ले गया। अब एक मिनट, इसकी डेथ का सीन जब भी मैं देखता हूँ तो मुझे हंसी बहुत आती है। हाँ, दुख होता है लेकिन उससे ज़्यादा हंसी आती है। मेरे को ये समझ में नहीं आता कि आखिरकार क्या सोचकर इसने थैनोस को मारने के लिए अपना चाकू इस्तेमाल किया यार, जिससे थोर का स्टोन ब्रेकर नहीं मार सका, उसे तुम चाकू छुरी से मारने चले हो। अरे तेरे जैसे ना जाने कितने चाकू छुरी वाले को उसने अपने एक हाथ से मारा है, और जिस चाकू छुरी से तू उसे मारने चला था वो उससे अपना पिछवाड़ा खुजाता है क्या सोचकर। नहीं, मुझे बताओ कि इसने क्या सोचकर अपनी छुरी निकाली। लोकी की ऐसी हरकतें देखकर कैरेमिनाटे भी यही कहेगा, पैसा बर्बाद। खैर, लोकी आगे भी ऐसा करता रहेगा, आखिरकार गॉड ऑफ मिस्चीफ जो है। खैर, इन सब के बाद आप लोकी की प्लानिंग के बारे में क्या सोचते हैं कमेंट में जरूर बताना। और इसका मतलब है हम वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं, मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय। लेकिन हाँ, जाने से पहले अगर चैनल पे नए हो तो चैनल को अभी कभी सब्सक्राइब करो, और वीडियो कहीं से भी अच्छा लगा हो तो लाइक का बटन दिख रहा है उसे प्रेस करो, कोई नहीं देख रहा दबा दो। और ज़्यादा पसंद आ गया तो शेयर कर देना, और अभी तक इस वीडियो को देख रहे हो तो इंस्टाग्राम पर फॉलो करना मत भूलना, लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। और अब मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए आप एंजॉय कर सकते हैं हमारी दूसरे वीडियोस को। बोरी जो भी हो तुम, आज पृथ्वी का शटर डाउन है, तो अपना बोरिया बिस्तरा बांधो और फूट लो यहाँ से। मणिधारक, ये पटर पटर करने वाला जंतु तुम्हारा है? बिल्कुल नहीं, ये आवारा है। अब तुम यहाँ बिना पूछे बिना परमिट के घुस आए हो, ये गहरा भूतनी के फूट यहाँ से।
है।